दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की बर्बादी के पीछे किसका हाथ था, और आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज कैसे हुई, और आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक समय दुनिया भर की एजुकेशन का सेंटर कहे जाने वाली यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई, और क्या आप जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन से विषय पढ़ाए जाते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से ही जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी कुछ सुना होगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में करीबन 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे, और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से ज्यादा आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोध में रहने वाले शासक की तबीयत खराब हो गई। किसी बड़ी बीमारी ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया था। उसने अपने बड़े से बड़े हकीमों से इलाज करा लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय एक यात्री नालंदा यूनिवर्सिटी में घूमते हुए सारे पंडितों से मिला, और वो उनके ज्ञान से बहुत खुश हुआ, और वहाँ से सीधा वो बख्तियार खिलजी के दरबार पहुँचा। वहाँ बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने ये यात्री से मिलने से मना कर दिया, लेकिन यात्री के बहुत जोर डालने पर वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। यात्री ने बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख राहुल श्री बद्री से इलाज कराएं, उससे वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर बिना देरी किए नालंदा यूनिवर्सिटी से राहुल श्री बद्री को दरबार में बुलाया गया, लेकिन इलाज करने के लिए बख्तियार खिलजी ने ये शर्त रख दी कि वो भारतीय तरीके से बनाई हुई दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो काफिरों द्वारा बनाई गई है। ये सुनने के बाद राहुल जी बख्तियार खिलजी के पास कुरान लेकर आए, और उन्हें सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने लगातार कुरान कई बार पढ़ी, और ये महसूस किया कि उसकी तबीयत ठीक होने लग गई है। उसके बाद खिलजी ने सोचा कि आखिर सिर्फ कुरान पढ़ने से उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है, और तब उसकी जांच करने पर पता चलता है कि पंडित राहुल श्री बद्री ने कुरान की लाइनों पर दवा लगा दी थी, और जब भी खिलजी पन्ने पलटते वक्त अपना थूक लगाता था, तब उसके साथ दवा उसके शरीर में चली जाती थी, जिससे उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। ये जानने के बाद खिलजी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान नालंदा यूनिवर्सिटी के पंडितों के पास है, और इस वजह से खिलजी के मन में नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर नफरत भर गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी को शांति का प्रतीक माना जाता था। वहाँ भगवान बुद्ध की पूजा भी की जाती थी, और जगह जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी बनी हुई थी। बड़े बड़े पंडित आचार्य और विद्यार्थी भगवान बुद्ध के सामने शीश झुकाते थे और शिक्षा लेते थे। ये बात खिलजी को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो मूर्ति पूजकों को मारना अपना धर्म समझता था। फिर अचानक एक दिन नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हुई सेना की आने की गूंज सुनाई दी, और खिलजी और उसके सैनिकों ने नालंदा के अंदर आकर यूनिवर्सिटी का दरवाजा बाहर से बंद किया, और फिर विनाश का ऐसा खेल खेला कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हजारों पंडितों और विद्यार्थियों को पल भर में मार दिया गया, और पूरी नालंदा मासूमों के खून से नहा उठी। कुछ पंडित वहाँ से भागने में कामयाब हो गए, और कुछ पांडुलिपि को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए, और वो तिब्बत की ओर भागे, और वहाँ पर शांति का प्रचार प्रसार किया, और बौद्ध धर्म की नींव रखी। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे पंडितों और छात्रों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो मूर्ति पूजन करते थे। सबको मारने के बाद खिलजी ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दिया, और नालंदा को खंडित करके तहस नहस कर दिया। पूरे 6 महीनों तक
नालंदा यूनिवर्सिटी आग में जलती रही और वहाँ पर मौजूद ज्ञान का भंडार जलकर राख बन गया। उस आग में जल चुके रिसर्च पेपर किताबें अगर आज भी मौजूद होती तो भारत साइंस मेडिसिन की अलग बुलंदियों को छू रहा होता। फिर कई शताब्दी बीतने के बाद 19वीं सदी में अंग्रेज अफसर को एक चाइनीज यात्री की डायरी मिली जिसमें उस यात्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। अफसर उसके पते को ढूंढते ढूंढते नालंदा यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा और वहां उसे 5वीं शताब्दी के प्रमाण मिले और फिर उसने पूरी जगह की खुदाई करवाई। उसके बाद फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर उस अफसर ने पूरी दुनिया के सामने लाई। खोज के दौरान ये पता चला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा छात्र 108 से भी ज्यादा विषयों के बारे में पढ़ते थे जिसमें लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, जियोलॉजी, मैथ्स, आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे विषय शामिल थे और वहाँ पर अलग अलग भाषा में भी ज्ञान दिया जाता था क्योंकि वहाँ कई विदेशी भी ज्ञान अर्जित करने के लिए आया करते थे। वहाँ पर 100 से भी ज्यादा भवन बनाए गए थे और हर भवन में स्टडी हॉल और जगह जगह पढ़ने और रहने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ भगवान बुद्ध की पूजा के लिए और मेडिटेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही 10 मंदिरों का निर्माण किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ फेमस स्कॉलर ने विद्या अर्जित की जिनके नाम हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, असंगा, शांतारक्षिता, आर्यदेवा, पद्मसंभवा है। इस डायरी के अनुसार हर 10 में से सिर्फ 3 छात्र ही वहाँ पढ़ने के योग्य माने जाते थे और छात्रों का दाखिला उनकी कुशलता के पैमाने पर लिया जाता था और नालंदा में वेद, पुराण सबका ज्ञान दिया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी जगह में बनाया गया था और इसीलिए उस समय में नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। लेकिन उस वक्त 19वीं सदी में सिर्फ 5% भाग ही खोद कर निकाला जाने के बाद उसकी खुदाई बंद करवा दी गई। लेकिन साल 2016 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी खुदाई को दोबारा शुरू कराया था और इसके साथ साथ इसे यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। और जब लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया तब उन्होंने उसे दोबारा से 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड करके चलाने का आदेश दिया। तब से उसकी रिवाइवल की बात चल रही थी और तभी से नालंदा यूनिवर्सिटी की सारी जिम्मेदारी यूनेस्को संभालता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 राज्यों में मिलकर बनवाया था जिसमें पहला नाम आता है मगध राज्य के राजा कुमार गुप्त का। मगध एक बहुत बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी राजगीर थी जो नालंदा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और कुमार गुप्त ने नालंदा को बनवाने की शुरुआत 5वीं सदी में ही की थी, मतलब आज से करीबन 1600 साल पहले। और दूसरे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिलों का निर्माण 7वीं सदी में कराया था और तब से नालंदा को दूर दूर तक जाना जाने लगा था। और तीसरे राजा देवपाल राणा बंगाल के राजा थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की तीसरी मंजिल का निर्माण 9वीं सदी में कराया था। और अगर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी में रहने वाले छात्रों की तो छात्रों के लिए 300 से भी ज्यादा कमरे बनवाए गए थे और इसके साथ साथ उनका खाना, रहना सब कुछ मुफ्त में था जिससे किसी भी छात्र को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय पूरे 9 मंजिल बड़ा था। वहाँ 3 अलग अलग इमारतें थीं जिनके नाम भी थे रत्ना नदी, रत्ना सागर और रत्नी रंजक। और नालंदा यूनिवर्सिटी को जलने में 6 महीने इसलिए लगे थे क्योंकि उस वक्त रिसर्च पेपर और किताबें पेपर की नहीं बल्कि ताम्र पत्तों पर लिखे जाते थे और इस तरह से दुनिया की पहली सबसे बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी को तहस नहस किया गया था जिसकी तबाही की गूंज आज भी उसके खंडहरों में साफ सुनी जा सकती है। वैसे दोस्तों आप सबको क्या लगता है, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी कभी तबाह नहीं हुई होती तो आज भारत का कद
दुनिया में कितना बड़ा होता? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।